सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंट्राडे गाइड। और आज हम जिस तरीके से देखा था कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी, हमने देखा था कि जब शुरुआत में मार्केट ओपन हुई थी तो बहुत नेगेटिव साइन में ओपन हुई थी, फिर हम जिस तरीके से देख रहे थे कि रिकवरी आ रही थी। और किसी ने भी अगर पुट ऑप्शन लिया होगा या पुट राइट करा होगा, कॉल राइटिंग करी होगी, तो सब लोग वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, अपनी पोजीशंस हटा रहे थे। जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम चेंज हो रहा था, तो अब मोमेंटम को पकड़ा कैसे जाए, कैसे हम पता लगा सके कि मार्केट के सेंटीमेंट्स कैसे हैं। वरना हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, सबकी एक ही क्वेरी है जो मेरे पास बहुत टाइम से आ रही है कि हम लोग कोई भी ट्रेड मार्केट में लेते हैं तो हम स्टॉप लॉस जब मेंटेन करते हैं तो पहले स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है, उसके बाद हमारा वो पर्टिकुलर स्टॉक टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है कि सबसे पहले हम जो स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं कि वो स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद टारगेट में जाता है, बहुत सी ऐसी क्वेरीज आई थी मेरे पास, तो आज उसकी भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं आपको। पूरा मार्केट सेंटीमेंट्स के बारे में समझाने वाला हूँ कि मार्केट क्या रिएक्ट करती है। और अगर हम जाने तो 99.9% जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर अपने पूरे महीने के अंदर लॉस में ही जाते हैं। अगर हम एक टोटल उनका एवरेज निकाल कर चले तो उनका लॉस में ही ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स जाते हैं। तो ऐसा कारण क्या है, वो आज हम इस वीडियो में, जो आपको मैं एक नई वीडियो आपके लिए आज रात तक अपलोड कर दूंगा, वो आप उसके बारे में हम जानेंगे, तो उसे ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं, जिस तरीके से हमने देखा था मार्केट में आज बहुत वॉलेटाइल था, जो बैंकिंग स्टॉक्स और NBFC स्टॉक्स थे वो नेगेटिव साइन में ट्रेड कर रहे थे, बट जिस तरीके से बैंकिंग में इंडेक्स में रिकवरी आई थी, हमने देखा था कि जो बैंकिंग स्टॉक्स थे वो भी और ऊपर के लेवल चले गए थे। तो ये मार्केट में ऐसा सेंटीमेंट चेंज कैसे हुआ था, वो सारी डिस्कशन हम एक नई वीडियो में करेंगे जो मैं आपके लिए आज लेकर आने वाला हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या चार्ट स्ट्रक्चर बना है और क्या अप मूव और डाउन मूव आ सकती है क्या मार्केट, क्योंकि कल एक्सपायरी वीक है बैंक निफ्टी और निफ्टी की, इस मंथली की एक्सपायरी है, तो हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर, वो आज सारी बातें हम इसके अंदर देखेंगे। तो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर आपको निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके दिखा हुआ है। अगर हम बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है ये रिट्रेसमेंट लेवल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बना हुआ है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स और ट्रेंड लाइन शो कर रही होगी, ये ट्रेंड लाइन शो वो कर रही है कि जिसने यहाँ पर डबल टॉप बना बॉटम बनाया, तो उसके बाद से हमने यहाँ पर एक रिकवरी आते हुए देखी थी। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि 3 दिन से इतनी अच्छी रिकवरी आ रही थी, अगर हम उस रिकवरी को ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो इसने हाईज पे अपने हाईज बनाया और जिस तरीके से यहाँ पर 3 कैंडलस्टिक बनी हुई है, उसका मतलब यही है कि यहाँ से अब जो तेज़ी थी वो थमती हुई लग रही है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से अब एक करेक्शन आना बाकी था जो हमने करेक्शन कल के मार्केट में देखा था, और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज के मार्केट ने एक करेक्शन दिया और वैसी संभलना चालू हुई थी, और हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि 10,600 के ऊपर जाके निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दिया, वो एक बहुत सपोर्ट का लेवल का काम कर रहा था। अगर हम इसकी बात करें तो इसने जो अपना लो बनाया था वो लो इसने 50% के रिट्रेसमेंट लेवल में बनाया था, तो आप देख सकते हैं कि फिबोनाची कितने एक्यूरेटली हमें बताता है कि क्या उसका बॉटम, क्या टॉप बन सकता है, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो अगर हम बात करें, ये बॉटम बन चुका है जो कि है 10,560 के अराउंड, और अगर हम बात करें तो वहाँ पर उसका 50 EMA का मूविंग एवरेज भी है, अब वहाँ सपोर्ट इसने ले लिया है। अब इसने सपोर्ट ले लिया तो इसका रेजिस्टेंस कहाँ पर बनते हुए आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस 10,700 पे बनते हुए आ रहा है। अगर ये 10,700 को ब्रीच करके ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है तो हम कह सकते हैं कि जो इसका अगला लेवल होगा वो 10,800 के करीब होगा, और हम और ऊपर के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जिस तरीके से आप यहाँ पर इस लेवल को देख रहे होंगे कि इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से क्रॉस करा था और हमने ऊपर की तरफ अप मूव देखी थी, और इस ट्रेंड लाइन के बाद इसने यहाँ से गिरावट शुरू करी थी और यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया था, तो इसका एक पैटर्न बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है कि ये पैटर्न हमें अभी ऊपर के लेवल्स ही दिखाएगा, और बैंक निफ्टी हमें 10,700-800 के अराउंड लेकर जाएगा निफ्टी, और वहाँ से फिर हम एक करेक्शन आते हुए देखेंगे 10,400 के करीब। तो ये एक पैटर्न हमें समझते हुए आ रहा है, अगर ये मार्केट 10,400 की तरफ बढ़ती है अभी 2-3 दिन के अंदर, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर ये एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा, और वहाँ से जो मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, और ये सपोर्ट एक अहम सपोर्ट बन जाएगा। तो अब बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल एक्सपायरी है, तो मार्केट जिस तरीके से हमने देखा था आज बहुत वॉलेटाइल था, और कुछ हमने स्टॉक्स अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करे थे जिसकी वजह से वहाँ पर उन लोगों को थोड़ा लॉस भी उठाना पड़ा था, और किसी पर्टिकुलर स्टॉक में प्रॉफिट भी हुआ था जिस तरीके से वॉलेटाइल बैंकिंग स्टॉक्स में थी। तो अब क्या ट्रेड लेना चाहिए कल के मार्केट में, तो आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम 10,560 का कर रहा है,
तो वहां पर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं, वरना अगर आपको मार्केट में कल नीचे की ओर मिलता है तो आप एक बाइंग पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसका चार्ट शो कर रहा होगा। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो जिस तरीके से हमने देखा था इसने यहाँ पर वी शेप पैटर्न बनाया था और इसने जिस तरीके से यहाँ पर अपना बॉटम बनाया 25,700 25,800 के करीब, वहाँ से हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी थी 26,600 के आसपास। पर वहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसने पिछले टाइम भी वहाँ पर अपना टॉप बनाया था, वहाँ से हमने गिरावट आती हुई देखी थी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वापस ये एक एम शेप का पैटर्न बनाएगा, और एम शेप का पैटर्न का मतलब ये है कि अपने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और यानी 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट जरूर करेगा। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो इसका हम एक मान सकते हैं कि आप एक यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं 26,450 या 26,770 का। वहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए और आपका जो टारगेट आपको अचीव हो सकता है वो 25,700 तक का आपको टारगेट अचीव हो सकता है एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो मैं आपको ये एक हफ्ते का ट्रेड समझा रहा हूँ निफ्टी बैंक के अंदर। तो यहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ से एक करेक्शन आना लाजमी है और ये 50 EMA के लेवल को ज़रूर टेस्ट करने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से हम RSI देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 70 लेवल के नीचे आ गया और अब इसमें डाउन साइड बाकी है 58 के आसपास है, तो ये 40 तक ज़रूर जाने की कोशिश करेगा और हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक डाउन साइड निफ्टी बैंक के अंदर भी आते हुए हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बता दिया है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी बनते हैं, देख सकती है कल एक्सपायरी है। तो जिनको भी बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर ऑप्शन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो कल मैं अपने क्लाइंट्स को भी शेयर करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर भी हम सजेस्ट करेंगे, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मेरी पेड सर्विस की वीडियो आप अगर आप उसे देखेंगे तो आप मेरी पेड सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ पर आपको आई बटन शो कर रहा है, वहाँ पर भी आप जाके मेरी वो वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे कल नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मैं आपके लिए वो वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मार्केट सेंटीमेंट्स कैसे समझ सकते हैं और क्यों आपका सबसे पहले स्टॉप लॉस हिट होता है, जिसकी वजह से फिर हमारे टारगेट की तरह वो पर्टिकुलर स्टॉक बढ़ना शुरू होता है। वो सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाने वाला हूँ आज या कल के अंदर, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो मेरे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे आपको वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाए अपने यूट्यूब और अपने ऐप के थ्रू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए जिससे आप लेटेस्ट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन हर दिन पा पाएंगे। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।